हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे साथ आनस है, जिसने 107 ऑल इंडिया रैंक 107 हासिल करी है। प्योर सेल्फ स्टडी से, कहीं कोई कोचिंग नहीं ली, कुछ नहीं किया, जस्ट यूट्यूब लेक्चर्स को फॉलो किया है। और जैसे मेरे अभी 2 मिनट पहले बात हुई, एनपीटीएल के लेक्चर्स को फॉलो किया है एंड अल्टीमेटली ही लैंडेड विद अ वेरी गुड रैंक ऑफ 107। पूरी डिटेल में समझेंगे कि मेरे को स्टूडेंट्स ने कहा था कि अच्छे से सर, जो भी स्टूडेंट आता है आपके पॉडकास्ट पे, उनसे पूरी डिटेल में अच्छे से सब कुछ हमारे को जानना है और सब देखना है कि वो कैसे क्या करते थे। तो हम आराम से इस पॉडकास्ट को चलाएंगे एकदम स्लोली स्लोली और पूरा डिटेल में समझेंगे सब कुछ। तो विदाउट हैविंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट। हेलो आनस, कैसे हो आप? हेलो सर, थैंक यू सर फॉर सच अ वार्म इंट्रोडक्शन सर। सो माय नेम इज अनस खान एंड आई हैव स्कोर्ड एन ऑल इंडिया रैंक 107 इन माय थर्ड ईयर ऑफ बीटेक अंडरग्रेजुएट। वेरी गुड, वेरी गुड। इट वाज कंप्लीटली सेल्फ स्टडी। ओके ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्ट, बट ये चीज मैं बोलना भूल गया, अभी थर्ड ईयर में 107, इट्स रियली रिमार्केबल। मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब अभी तो फाइनल ईयर आपके पास पूरा है, तो अब तो मतलब मुझे लग रहा है यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। अब आपको तो कुछ मतलब मेरे को लग रहा है आप ज्यादा कुछ खास जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? जो भी आपको कॉलेज चाहिए, जो आपका ड्रीम है, सब मिल जाएगा आपको। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। थैंक यू। ओके ओके, यस कंटिन्यू प्लीज। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो अपने बारे में आनस। यस, आई एम ऑल इंडिया रैंक 107 एंड विद अ मार्क्स ऑफ 74 आउट ऑफ 100 विद अ गेट स्कोर ऑफ 818 इन थर्ड ईयर। Actually, I belong to Mumbai, Maharashtra, but my college is in Kit, Odisha. So, yes, sir. So, that's all about myself. Okay. तो कॉलेज में आपका एनवायरनमेंट रहता था या आप अपने आप ही सेल्फ ड्रिवन थे? सर, कॉलेज में एक दो लोग और है, लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड, ही इज ऑल्सो इवन इन थर्ड ईयर एंड मेरे हॉस्टल का इज 286 और 282 रैंक समथिंग एंड वन ऑफ माई सीनियर इज 494 एंड अदर्स आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर फोर्थ ईयर। ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट। मतलब थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट आपके कॉलेज में था गेट को लेकर के, दैट्स रियली ग्रेट। मतलब थर्ड ईयर में तो भाई बहुत बड़ी बात है, और खासकर सेल्फ स्टडी से विदाउट एनी कोचिंग, इट्स रियली वेरी ग्रेट। ओके, तो मेरे वीडियोस ने कैसे हेल्प किया आपको, चैनल ने कुछ हेल्प हुआ आपको? सर, एक्चुअली मैंने ऑलमोस्ट 60-70% सिलेबस खत्म कर चुका था एंड देयर वाज गैप बिटवीन माय पोर्शंस एंड कॉन्सेप्ट्स। सो मैंने बोला कहाँ से करूँ, सो मैंने जस्ट यूट्यूब में टाइप किया एंड द फर्स्ट थिंग आई रिमेम्बर द फर्स्ट कॉन्सेप्ट आई सर्च वाज फॉर राइस थ्योरम, बिकॉज राइस थ्योरम कैसे भी करूँ समझ में नहीं आता था। सो राइस थ्योरम का पहले मैंने देखा एंड एवरी यूट्यूबर्स एल्स यूट्यूबर्स लाइक वॉज 10 or 15 minutes। So, मैंने बोला एंड आपका सर 1 hour प्लस जा रहा था एंड उसके बाद भी सेक्शंस थे, तो मैंने बोला ये क्या पढ़ा रहे सर, मजा आएगा, डीप में पढ़ूंगा, कम से कम एक बार कर लूँ, उसके बाद वापस आई डोंट वांट टू कम बैक। सो मैं गया एंड राइस थ्योरम आपने एकदम स्टार्ट से एकदम बेसिक से स्टार्ट किए, ऐसा मुझे लगा जैसे कि सर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मुझे पढ़ा रहे हो, आप एक एक चीज 2-3 बार रिपीट कर रहे थे एंड बहुत अच्छा लगा मुझे। देन मैंने उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सबको सॉल्व किया एंड गूगल करके मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी सर्च किया एंड इवन स्टैनफोर्ड जैसे असाइनमेंट के पीडीएफ मुझसे सॉल्व हो रहे थे। तो तब मुझे पता चला कि सर आपके आपका यूट्यूब चैनल इतना अच्छा है, इवन दो सब्सक्राइबर तब कम थे, अभी बहुत बढ़ गए हैं तब के हिसाब से, लेकिन तब मैंने बोल दिया था सर आई यूज टू कमेंट अ लॉट सर इफ यू हैव नोटिस्ड, बट बहुत अच्छा लगा था। देन उसके बाद मेरे को एंटिटी रिलेशनशिप नहीं समझ रहा था, कोई बोल रहा था इसमें 3 लगेगा टेबल्स, कोई बोल रहा था 2 लगेगा, 3-2, मैं बोला लेकिन लगता क्यों है, इसका रीजन क्या है, हम उसे वैसे गोल गोल बनाए जा रहे लेकिन बना क्यों रहे हम टेबल्स। सो देन सर मैंने फिर से आपका वीडियोस देखा, आई स्पेंड लाइक 6 hours ऑन इट, लेकिन इट वॉज कम्प्लीटली वर्थ इट। एंड उसके बाद मैं अपने सीनियर्स को बोलता था कोई भी ER एंटिटी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो मेरे पास ला दो सर, इट वॉज सच अ नाइस एक्सपीरियंस सर। देन कंप्यूटर नेटवर्क, हां हां सर एग्जैक्टली, कंप्यूटर नेटवर्क्स द एप्लीकेशन लेयर, कोई भी एप्लीकेशन लेयर नहीं पढ़ाता था सर, सिर्फ एप्लीकेशन में बोलते थे इसमें इतने लगेंगे, DNS लो तो CP UDP लगेगा एंड लीन क्यू लगेगा एंड कौन से बुक रिफर कर रहे, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक क्या है, वो सब कोई नहीं बताता था, लेकिन सर आपने अच्छे से बहुत अच्छे से कराए थे। तो CN में एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट इन एप्लीकेशन लेयर, बिकॉज वो डर चले गया था, इवन दो गेट डू नॉट आस्क इन सो मच डेप्थ, बट वो एक अंदर से डर चले गया था कि हाँ मेरे को एप्लीकेशन लेयर पता है, दैट वॉज एक्चुअली बेनिफिशियल। That's great. तो मैं तो मतलब पहले से आपने जैसे वर्ड बोला राइस थ्योरम तो मुझे लगा ले भाई ये तो मतलब ग्रुप थ्योरी सर, थैंक यू फॉर अ लॉट सर, ग्रुप थ्योरी मुझे उतना अच्छा कोई नहीं पढ़ा पाया जितना सर आपने पढ़ा है।
ग्रुप थ्योरी वाज द बेस्ट टिल नाउ आई वुड से सर मुझे जितने भी आपके लेक्चर्स में से ग्रुप थ्योरी एंड डिस्क्रीट मैथ्स का बेस्ट लगा ओके तो मतलब रीजन बस यही कि मतलब प्रूफ अच्छे से दिए मैंने हर एक बात के एक-एक बात समझाई वो आपको बहुत आई थिंक अच्छा मुझे ऐसा लगता था ग्रुप थ्योरी में मुझे ऐसे थ्योरम्स याद करना पड़ेगा बट मैंने आपके वीडियो देखा मैंने खुद के नोट्स बनाया एंड दो तीन बार नोट्स बनाया जो जितने भी पॉइंट्स थे मैंने उसको इंटररिलेट किया कि इसका अबेलियन ग्रुप्स का एंड ऑल ऑफ दिस मैंने ग्रुप थ्योरी का सब रिलेट किया एंड देन मुझे ऐसा लगा कि मैं रात में सोते सोते भी अगर कोई मुझे आके नींद में पूछे कि इसका क्या होगा आई वुड आंसर इट ऑन द स्पॉट सर इतना अच्छा लगा था मुझे ग्रुप वेरी गुड बहुत अच्छे तो मतलब मुझे लग रहा है कि आपकी बातों से कि आपने पूरा अच्छे से चैनल को फॉलो किया है और पूरा अच्छे से मतलब समझा है चीजों को डीप में देखा है इट्स रियली ग्रेट और आपकी रैंक तो बता ही रही है कि आपने मेहनत कितनी करी है दैट इज फॉर श्योर और वो भी थर्ड ईयर में रियली आई एम मतलब मैं बहुत ओवरवेल्म हो रहा हूँ इस टाइम पे और मतलब मैं बहुत इम्प्रेस भी हो रहा हूँ कि मतलब इस तरह के भी स्टूडेंट्स हैं आप सब जो भी वीडियोस देख रहे हैं जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं एटलीस्ट ही शुड बी इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ यू क्योंकि फोर्थ ईयर में तो मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट को लेकिन थर्ड ईयर में और वो भी 107 मतलब इट्स रियली रियली वेरी ग्रेट मतलब बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी एंड अगेन आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आपने मतलब बहुत बहुत अच्छा काम किया है और मुझे जहाँ तक लग रहा है अब आप मतलब चाहे कहीं भी किसी भी कॉलेज में जाएंगे यू विल ग्रैब टॉप पैकेज टॉप अच्छा मतलब बहुत अच्छा पैकेज ले पाएंगे अगर आपका प्लेसमेंट की तरफ है या अगर आप रिसर्च की तरफ जाना चाहते हैं यू विल बी डेफिनेटली लैंडिंग इन पीएचडी इन वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड आई कैन गारंटी यू यू विल डेफिनेटली गेट इट मेरा एम था कि इफ आई क्लियर इन माय थर्ड ईयर आई कैन डू अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन मशीन लर्निंग एंड एनएलपी That was my motivation कि इस साल ही निकाल देता हूँ ताकि एक साल जब सब लोग would be like behind the placements in my college the placements are actually very good जब सब लोग placements के पीछे रहेंगे तब I would relax and do very calmly my machine learning and other NLP stuffs this was my motivation sir for third year that's great आप BTech में पढ़ रहे हो machine learning सर ये सर BTech में machine learning and NLP का syllabus है हमारे कॉलेज में but I'm also starting to get new courses online courses ताकि NLP and machine learning में और depth में जा पाऊँ and because college का curriculum is almost always theoretical but I always want to go in the research and the coding field too sir okay really that's really great तो मतलब you will be through मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ आप आराम से मुझे लग रहा है paper publish भी करा पाओगे and you will land in a very good university for आपका ultimate aim PhD करने का है सर अभी तक तो कुछ डिसाइडेड नहीं है बट सर रिसर्च में मेरा इंटरेस्ट बहुत है इसलिए वन दिस वन ईयर आई वांट टू एक्सप्लोर एज मच एज आई कैन रिसर्च भी एंड टेक्निकल जॉब्स भी एंड अदर डेवलपमेंट जॉब्स भी ओके तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आपके जैसे आप बता रहे हो कॉलेज की प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हैं तो मतलब एग्जैक्ट थोड़ा सा कॉलेज के बारे में आईडिया दो ये IIT JEE के थ्रू आप सिलेक्शन हुआ था कॉलेज में नहीं सर इनका खुद का एग्जाम होता है इट्स लाइक अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हाउ VIT एंड SRM कॉलेजेस है वैसे कीट यूनिवर्सिटी है KIIT कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के प्लेसमेंट्स आर वेरी डिसेंट लाइक 8 लाख तो 7-8 लाख एवरेज चले जाता है एंड 10 लाख तक मीडियम चले जाता है बट स्टिल सर मशीन लर्निंग एंड NLP का इतना वो डिमांड नहीं है बिकॉज नोबडी वॉन्ट्स टू हायर अ बैचलर्स वेरी फ्यू कंपनी वांट टू हायर अ बैचलर सो मैंने अपना मन बना लिया था एंड माय सिस्टर इज आल्सो लाइक सर्जन तो हमारे घर में एनवायरनमेंट है कि मास्टर्स के लिए तो जाना ही है तो मैंने पहले से सोच लिया था मास्टर्स करना ही है तो या तो इंडिया से करना है या बाहर से सो मैंने सेकेंड ईयर में अच्छा बहुत कुछ एक्सप्लोर किया था मेरे सीनियर्स ने मुझे बोले थे कि गेट कर सकते हो तुम ट्राई करो तुम्हारी मैथ स्ट्रांग है तो गेट के लिए जाओ ऑप्ट करो एंड देन आई फेल्ट इन लव विद द सब्जेक्ट्स एस्पेशली data structures and algorithm part okay तो मुझे थोड़ा सा ये भी बताओ आपने और क्या-क्या रेफर किया जैसे आपने चैनल से एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत पढ़ा है UOC आपने पढ़ा है और CN पढ़ा है ना और DBMS का भी थोड़ा बहुत तो मतलब पूरा पढ़ा या यू हैव जस्ट फिल्ड द पैचेस जो भी आपके पैचेस बच रहे थे बीच-बीच में से जैसे नॉलेज गैप था वो फिल अप किया सर बिफोर आई came to your channel sir usse pehle tak mera 50 to 60% syllabus ho gaya tha okay so sir jab tak main aapke channel mein aaya tha tab tak mera almost TOC bhi khatam ho gaya tha syllabus and C programming data structures algorithm operating system ye sab khatam ho chuke the okay so, sir jab main aapke channel mein aaya to maine discrete mathematics pura aapse kiya hu
आपसे कहूँ, टीएससी में मैंने पैचेस भरा हूँ, एंड सीएन का फर्स्ट हाफ मैंने कहीं और से देखा था एनपीटीएल के कोर्सेज से, बट सर फिर वो फीलिंग नहीं आई थी, एंड फुल सेकेंड हाफ जो डेटा लिंक लेयर एप्लीकेशन लेयर एंड नेटवर्क लेयर था सर वो मैंने आपसे किया। और भी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड स्टफ इधर से करता रहता था यूट्यूब से। ओके ओके दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट। तो डिस्क्रीट को कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लगा था? सर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मैंने फर्स्ट आपके लेक्चर आने से पहले अपने कॉलेज करिकुलम के हिसाब से किया था डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स वाज ओके, इतना अच्छा भी नहीं था इतना बुरा भी नहीं था, बट स्टिल वो फीलिंग नहीं आ रही थी एंड सॉल्व होने के लिए ऐसा लग रहा था कि मैं क्वेश्चन रट्टा मार रहा हूँ, आई वॉज बाय हार्ट इन स्टेप्स। तो मैंने जब आपके चैनल से आया मैंने देखा एक 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 वीडियो एक एक घंटे के ऊपर है, एंड देयर आर 40 टू 50 वीडियोस, में बोला इसमें तो मेरा मंथ्स चले जाएगा, लेकिन मैंने स्टार्ट किया वीडियो कुछ भी करके, मैंने देखा कि ओके आई कैन गो ऑन 1.5x 2x स्पीड, मैंने स्पीड में डाला एंड देन आई रियलाइज ओके ये कॉन्सेप्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है थोड़ा स्किप कर देता हूँ, एंड देन लेटर आई रियलाइज अब स्किप नहीं करना है मुझे, जो है सब देख लेता हूँ, अच्छा लग रहा था मुझे। एंड मेरा दो स्ट्रैटेजी थी, फर्स्ट मैं सर आपकी वीडियो लेक्चर्स देखता था बिना पेन एंड पेपर के, सिर्फ अच्छा। वीडियो लेक्चर्स देखता था, सेकंड मैं आता था वापस से पॉज करता था स्क्रीन, जितना अभी आपने बोर्ड में लिखा है उसको मैं खुद से रियल एनालाइज करता था कि सर ने क्या लिखा है, खुद से क्वेश्चंस पूछता था, एंड जब मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मुझे पूरा अच्छे से समझ में आ गया उसे देन फिर मैं अपने नोटबुक में लिखता था सर, नोट्स बनाता था, एंड अगर इफ आई फील कि समझ में नहीं आ रहा है तो मैं वापस से वीडियो लेक्चर्स देख लेता था, इस बार 1.5x नहीं तो 1.25x स्पीड में देख लेता था, ऐसे करके सर मेरे को ऑलमोस्ट 45 डेज लग गए होंगे सर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स खत्म करने में, लेकिन इट वाज कंप्लीटली वर्थ इट, क्योंकि एक बार क्या उसके बाद सर वापस से मुझे वापस से डिस्क्रीट मैथ्स में आना नहीं पड़ा। दैट्स ग्रेट। तो मैं जैसे आप बात कर रहे हो ना मुझे आपके अंदर एक हिडन रिसर्चर नजर आ रहा है, इस हिसाब से आप बता रहे हो कि विदाउट पेन एंड पेपर देख रहे हो समझ रहे हो, मतलब सारा ग्रैप कर रहे हो एब्जॉर्ब कर रहे हो नॉलेज को, और उसके बाद आप उसको मतलब अप्लाई करके देख रहे हो साथ साथ और फिर कर रहे हो, तो ये रिसर्च ओरिएंटेड माइंड ही है, और डेफिनेटली यू विल डू रियली गुड रिसर्च। मतलब मैं आज आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है एक साल दो साल के बाद आप कुछ रिमार्केबल काम करोगे और हम फिर से एक पॉडकास्ट करेंगे, और सबको मैं ये चीज़ ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि एक स्टूडेंट ने मतलब क्या क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, वो चीज़ मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा, मुझे लग रहा है आपकी बातों से देख करके आई कैन प्रिडिक्ट वेरी वेल कि आगे क्या होगा। ओके ठीक है, तो मतलब मेन बात है कि आपने कुछ कुछ सब्जेक्ट्स पूरे देखे और कुछ कुछ जगह पे आपने पैचेस को फिल किया। ओके तो मैं yes, आपने जैसे एनपीटीएल का नाम लिया, तो एनपीटीएल के आपने कौन कौन से लेक्चर्स देखे थे, थोड़ा सा आप स्टूडेंट्स को बता सकते हो कौन से प्रोफेसर्स के लेक्चर्स देखे और कुछ आइडिया? यस सर, देख के तो अच्छा खासा टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया, लेकिन आई यूज्ड टू गो ऑन आईआईटी कानपुर का एनपीटीएल, आई फेल्ट आईआईटी कानपुर का एनपीटीएल के लेक्चर्स वाज वेरी गुड सर, एंड इवन आई आई टी बॉम्बे का, आई रिफर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम आई आई टी कानपुर के वीडियो लेक्चर्स से। ओके एंड यस सर। ओके और जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जैसे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम उसके लिए भी कोई एनपीटीएल के लेक्चर्स फॉलो किए थे? नहीं सर, सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम हमारे कॉलेज का अच्छा था, एंड दैट वाज इन सेकंड थर्ड सेमेस्टर आई गेस, सो मैंने सर से कांटेक्ट किया एंड सर को बोला कि सर आई वांट टू प्रिपेयर फॉर गेट, आप थोड़े मुझे दे सकते हो क्या सर रिसोर्सेज? तो उन्होंने बोले कि यस आई विल प्रोवाइड यू, एंड ही प्रोवाइडेड मी सम वेरी गुड रिसोर्सेज सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स का। सो मोस्टली आई यूज टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में इतना जंप नहीं करता था, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाता था एंड जैसे आपने बोले थे उसको ट्राई करता था चेंज करने का कि अगर इसमें थोड़ा सा चेंजेस और कर दूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, अगर हाँ तो उसके बाद क्या होगा, आंसर क्या होगा, अप्रोच क्या होगा, एंड ऐसे करके मैंने 2 to 3 इटरेशन तो डालाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, एंड लेटर इतना कॉन्फिडेंट हो गया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अगर थोड़ा बहुत चेंज करके आ गया मेरे को तो मैं डेफिनेटली कर लूंगा, एंड दिस ईयर 2023 वाज मोर ऑफ अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पेपर तो इस बार बहुत ईजी, बहुत ईजी था सर। ओके तो जैसे आप बता रहे थे आपके प्रोफेसर्स ने आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए थे, वो यूट्यूब चैनल्स के थे या फिर मतलब पीडीएफ वगैरह वो सब? नहीं पीडीएफ थे सर, उनके खुद के कॉलेज के पीडीएफ थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, एंड मोस्टली उन्होंने भी यही बोला था पियर्सन टेक्स्ट बुक फॉलो कर सकते हो आप, पियर्सन की एक टेक्स्ट बुक रहती है स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है उसे आप फॉलो कर सकते हो, एंड वो उन्होंने बोले थे बेस्ट इज टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड देन जंप ऑन द टेस्ट सीरीज इन द लास्ट 2 or 3 months. That's great.
तो मतलब आपके एनवायरनमेंट, मुझे लग रहा है एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था जिससे मतलब यू आर एबल टू ग्रैब गुड रैंक एंड सो दैट्स रियली ग्रेट. मतलब देखो जिस भी स्टूडेंट का बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रांग है ना वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता है एंड वन ऑफ एग्जाम्पल इज़ विद अस. और ये चीज़ देखो, अब एक बात ये भी है जैसे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो जो थर्ड ईयर में होंगे जिनकी रैंक नहीं आई होगी तो वो थोड़ा सा डिप्रेस फील कर सकते हैं, थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं. तो मैं एक चीज़ आपको पहले से ही क्लियर कर देता हूँ, दो चीज़ें होती हैं जो जो भी स्टूडेंट को बाहर उतार सकती है. द फर्स्ट थिंग इज देयर बैकग्राउंड. अगर बैकग्राउंड स्ट्रांग है यू विल बी एबल टू ग्रैब अ गुड रैंक. सेकेंड इज मैथमेटिक्स. तो जिनकी दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं जैसे आनस ने बताया तो ऑफकोर्स यू विल एंड अप विद अ वेरी गुड रैंक. बट द ओनली थिंग इज परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. जिसकी भी रैंक नहीं आ रही है, जिसको भी मतलब अच्छे नंबर नहीं आए हैं, थर्ड ईयर में नहीं आए तो फोर्थ ईयर में आ जाएंगे. अगर फोर्थ ईयर में नहीं आ पाए यू कैन टेक अ ड्रॉप. बट द ओनली थिंग इज परेशान नहीं होना, किसी को देख करके लो फील नहीं करना चाहिए हमारे को कि हमारा नहीं आ रहा है. बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. अब हर एक स्टूडेंट का बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं हो सकता, हर एक स्टूडेंट एक बहुत अच्छे कॉलेज में जा नहीं सकता जैसे स्टार्टिंग में बीटेक अच्छा हो, या फिर हर एक स्टूडेंट का मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं हो सकता. तो अगर आपका वीक है, मैथमेटिक्स वीक है, बैकग्राउंड भी वीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. द ओनली थिंग इज जिसके अंदर भी कंसिस्टेंसी है, जिसके अंदर भी मेहनत करने की मतलब यू कैन से एक बर्निंग डिज़ायर है, यू विल बी एबल टू ग्रैब अ गुड रैंक. दैट इज़ माई गारंटी. द ओनली थिंग इज आपको छोड़ना नहीं है, चलते रहना है, चाहे धीरे धीरे सही बट चलते जरूर रहो. और एक बहुत अच्छी सेइंग भी है कि बेस्ट डेफिनेशन जो मुझे लगती है सक्सेस की, यू स्टार्ट अ जॉब एंड यू नेवर लीव इट. बस उसको छोड़ो मत, लगे रहो लगे रहो. और अगर आपने एक साल मेहनत करी या दो साल मेहनत की उसके बाद छोड़ते हो तो जो एक साल दो साल मेहनत करे उसका हिसाब कौन करेगा? वो आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा अगर आप उसको छोड़ दो. लगे रहो लगे रहो लगे रहो, यू विल डेफिनेटली ग्रैब अ रैंक एंड यू विल डेफिनेटली ग्रैब अ गुड कॉलेज. ओनली थिंग इज आपको काम करते हैं. यस सो ठीक है, तो यहीं से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. बेस्ट वे क्या है आपके हिसाब से, अगर जैसे आप स्टूडेंट्स को थोड़ा गाइड करना चाहें कि वीडियोस को कैसे फॉलो करना चाहिए? क्योंकि कई स्टूडेंट्स को लगते हैं कि वीडियोस बहुत लंबे हैं, हमारे को डर लग रहा है देख करके कि ये पता नहीं कंप्लीट भी होंगे या नहीं होंगे. तो आप क्या कहना चाहोगे इस बात पे? जी सर, मैं बोलूँगा सर आप पहले वीडियो स्टार्ट करो एंड एनालाइज द पेस. सबके लिए, किसी के लिए फास्ट हो सकता है, किसी के लिए स्लो हो सकता है, उसके हिसाब से आप अपना पेस एडजस्ट करो. 1.25 डालो, फिर उसके बाद 1.5 में डालो, 1.75 तक भी जा सकते हो, आई वुड रिकमेंड. एंड रिविजन के लिए 2 इज मोर देन इनफ. आई यूजली यूज टू गो ऑन 1.5 और 1.25 टू 1.5 एंड देन. एंड हमेशा एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की सर, बिफोर स्टार्टिंग एनी वीडियो लेक्चर्स मैं सिर्फ सारे टॉपिक्स के नाम निकाल लेता था. ओके ये वाले वीडियो लेक्चर्स में ये टॉपिक आएगा एंड आई यूज टू मैप दिस. ओके ये वाला टॉपिक अभी ख़त्म हो गया सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जम करें. तो एज अ जब फर्स्ट टाइम मैं वीडियो लेक्चर देखता था आई यूज टू मेक अ समरी इन माई माइंड. ओके ये वीडियो लेक्चर में ये टॉपिक्स ये कॉन्सेप्ट पढ़ा जा रहा है, मुझे ये टॉपिक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, नाउ आई कैन जम्प टू द नेक्स्ट वन. एंड ऐसे करके सर दिस एक्चुअली यूज हेल्प मी अ लॉट इन द लॉन्ग रन. सो इस तरीके से आई डिडंट फॉरगेट द कॉन्सेप्ट एज इजीली. बहुत अच्छी बात है. तो मतलब मैपिंग करते चले आप दिमाग में, लिंकिंग करके प्रॉपर yes, चले, ये बहुत अच्छी बात है भाई. एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी मेरे को आज समझ में आई है. तो जैसे जैसे हम लोग बातचीत करते रहेंगे ना, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स का पॉडकास्ट ले रहा हूँ और हर एक स्टूडेंट से एक नया चीज़ सीखने को मिल रही है. तो आनस से आज सभी लर्नर्स को क्या सीखने को मिला, इंक्लूडिंग मी, आँखों के आगे सब कुछ होना चाहिए साफ सुथरा. क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या टॉपिक हो चुके हैं, क्या क्या टॉपिक आगे आने वाले हैं, इस चीज़ का बहुत बड़ा और बहुत ब्यूटीफुल इम्पैक्ट आता है. रिवीजन के टाइम पे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपके माइंड में सब छपा हुआ होगा कि ये टॉपिक था, ये टॉपिक्स थे, इस टॉपिक में ये था, उस टॉपिक में ये था, एंड सो ऑन. पूरा एक लिंकिंग बना करके माइंड में फिट हो जाएगा. तो इतना बड़ा अगर कुछ है तो वो इतना हो जाएगा लिंकिंग करने से, और छोटा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, अल्टीमेटली कितना छोटा सा कैप्सूल बन के आपके माइंड में फिट हो जाता है. द ओनली थिंग इज आपको चीज़ों को विजुअलाइज करते हुए चलना है ना, एक एक बात को कि ये टॉपिक है, उसके बाद ये वीडियो में ये चीज़ कवर अप हुई, इस वीडियो में ये कवर अप हुआ, एंड सो ऑन. इट्स रियली वेरी वेरी ग्रेट पॉइंट जो आपने अब बताया. ओके ओके यस यू कैन कंटिन्यू. सो एक्चुअली वही इतना ही बोलना था. ओके एंड देन ठीक है. yes, तो आप मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको बस ये सजेस्ट करोगे कि टॉपिक अच्छे से पता होना चाहिए, किस वीडियो में क्या चल रहा है, और अल्टीमेटली जो भी है मतलब एक एंड वन मोर पॉइंट सर आप ही मैं क्लिक करो. यस सर वन मोर पॉइंट, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स सेज कि लेक्चर्स बहुत बड़ा है,
एंड छोटे लेक्चर्स भी अवेलेबल है. मैंने खुद रियलाइज किया हो एंड एनालाइज किया हो ये चीज़, मैं स्टार्टिंग में छोटे वीडियो लेक्चर्स देख के खत्म कर देता था, लेकिन लास्ट के 2-3 मंथ्स में मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था, क्योंकि इवन दो पैचेस वर स्मॉल इनफ, लाइक राइस थ्योरम कंपेयर टू द फुल ऑफ द पीओसी इज वेरी स्मॉल, एक या दो ही पेज का, इट्स लाइक 5% ऑफ द कंप्लीट पीओसी, मैक्सिमम 10% ऑफ द कंप्लीट पीओसी, बट स्टिल वो लास्ट में इतना ज्यादा हैम्पर करता है ग्रोथ को एंड इतना ज्यादा इफेक्ट करता है कि दिन रात यही सोचते रहते हो कि यार मेरे को अभी भी इसमें अंडर कॉन्फिडेंट है सब्जेक्ट में. सो लास्ट में रिग्रेट करने से बेटर है कि आप पहले टाइम इन्वेस्ट कर दो, लास्ट में यू कैन इन्वेस्ट मोर टाइम ऑन प्रैक्टिस, स्टार्टिंग में यू इन्वेस्ट मोर टाइम ऑन वीडियो लेक्चर्स. यस बिल्कुल, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो ये कहना चाह रहे हैं अनस ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप स्टार्टिंग में छोटे छोटे 15-15 मिनट के 10-10 मिनट के वीडियोस देख करके सिलेबस अपना कंप्लीट करोगे तो बाद में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करोगे, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करते जाओगे वहाँ पे आपसे सॉल्व नहीं होंगे एंड यू विल ऑलवेज फील अंडर कॉन्फिडेंट कि यार मेरे को चीज़ें ढंग से नहीं आती हैं, क्योंकि जब भी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आएगा आपके सामने आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने बहुत लिमिटेड नॉलेज ली. बट अगर आपने स्टार्टिंग में नॉलेज बहुत ज़्यादा ले रखी है तो बाद में आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, तो इट्स जस्ट अ ट्रेड ऑफ, है ना. या तो आप शुरू में बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट करो, बाद में लाइफ मतलब पूरा जब तक गेट में होता तब तक स्ट्रगल करते रहो, या फिर स्टार्टिंग में स्ट्रगल करो, अभी सारा थ्योरी ढंग से देखो और बाद में फिर एक चिल लाइफ जियो, आराम से मजे करो, आराम से मजे इन द सेंस ऑफ कोर्स मजे तो क्या मतलब, इन द सेंस कि आप क्वेश्चंस जब कर रहे होगे या जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे होगे यू विल रियली एंजॉय लॉट, आपको मजा आएगा करने में, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस होंगे वो भी आपसे सॉल्व होंगे, ऑन द कॉन्ट्रेरी बाकी लोग नहीं कर पा रहे होंगे आप कर पा रहे होंगे और अल्टीमेटली आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने शुरू हो जाएंगे एंड यू विल फील वेरी हाई कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. नहीं तो फंसोगे, अल्टीमेटली फंसोगे, 100% फंसोगे. जैसे आनस बता रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जल्दबाजी में सिलेबस कंप्लीट करते हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे दे विल फॉल इन अ ट्रैप और बाद में कॉन्फिडेंस लूज भी होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्विट भी करते हैं जस्ट बिकॉज कि उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आ रहे हैं आउट ऑफ द बॉक्स आ रहे हैं और वो अप्रोच भी नहीं कर रहा है ना. तो इसलिए स्टार्टिंग में टाइम काफ़ी ज़्यादा लगाओ, मैं बहुत बार समझाता हूँ, बाद का टाइम आपके लिए काफ़ी हद तक फ्री हो जाएगा. इट्स रियली ग्रेट पॉइंट है ना, बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है. ओके तो पी वाई क्यूज का रोल क्या रहा, जैसे आपने थोड़ा सा मुझे बताया कि आप उनको मोल्ड करके भी थोड़ा थोड़ा करते रहते थे और अच्छे से उनको स्टडी करते रहते थे और द बेसिक फैक्ट्स जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है कौन सा नहीं है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से पी वाई क्यूज हमारे को बता सकते हैं, है ना. और अल्टीमेटली अगर आप पी वाई क्यूज को ढंग से सॉल्व करते हो तो मोस्ट ऑफ द पेपर जो गेट का आता है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस काम करता है, मैं सीधी बात बोलता हूँ, अराउंड 70% पेपर आप पी वाई क्यूज की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो अगर आपने मीनिंगफुली और ढंग से पी वाई क्यूज को किया है. आपको क्या लगता है अनस, ऐसा है ना? यस एग्जैक्टली सर, मैंने अभी भी स्टिल स्टूडेंट्स आस्क मी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन सर आप मुझे बताओ, भैया प्रैक्टिस क्वेश्चन बताओ. मैं बोला प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसा कुछ नहीं है, डू द पी वाई क्यूज, लास्ट में 2-3 टेस्ट सीरीज सब्सक्रिप्शन ले लेना, दैट वुड बी मोर देन इनफ, बट डू द पी वाई क्यूज एटलीस्ट 2-3 टाइम्स. मेरा तरीका क्या था सर, मैंने एक हार्ड कॉपी लिया था पी वाई क्यू की बुक की एंड मैं कलर पेंस रखता था अपने पास एंड फर्स्ट इटरेशन में मुझसे कितने सॉल्व हो जाते थे फिर उसे मार्क कर देता था, सो दीज वर द ईजी वंस. सेकेंड इटरेशन में मैं करता था कि जो इजी जो टफ है कॉन्सेप्ट टफ है लेकिन बहुत बार रिपीटेड है ये क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वो टफ है, तो उसे मैं दूसरे कलर पेन से मार्क करता था. सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द रिविजन्स आई मोस्टली यूज टू स्किप द इजी पार्ट बट द इम्पॉर्टेंट टफ पार्ट, सो मैं जो अलग कलर पेन से मैंने उसे मार्क किया वो करता रहता था. एंड कोई कोई रहते थे सर जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन है वो तब तक नहीं सॉल्व कर पाओगे जब तक आपने एल्गोरिथम नहीं किया, या फिर ओएस के क्वेश्चन है तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड इन प्रोबेबिलिटी ना हो, सो मैं उसे अलग पेन से मार्क कर देता था एंड उसे ऐसा रिमाइंडर लिख देता कि व्हेन यू आफ्टर यू सॉल्व प्रोबेबिलिटी कम टू दीज क्वेश्चंस एंड सॉल्व इट अगेन, ऐसे करके सर मैंने उसे अलग तरीके से कैटेगराइज कर देता था. एंड पी वाई क्यूज सर मोस्ट एक्सटेंसिवली मैं उनको यही बोलूंगा हर स्टूडेंट्स को कि डोंट कंसिडर अ सब्जेक्ट फिनिश्ड और चैप्टर फिनिश अनलेस यू हैव सॉल्व द पी वाई क्यूज कम्प्लीटली. ओके, सिर्फ थ्योरी करने से काम नहीं चलेगा, थ्योरी तो आप अपने कॉलेज में भी किए तो भी सब गेट थोड़ी ना क्रैक कर पाते सर, यू जस्ट डू द थ्योरी एज वेल एज द पी वाई क्यूज एंड देन एनालाइज योरसेल्फ वेयर यू स्टैंड. जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ अनस, मतलब आप हर एक चीज को कैटेगरी में बांट रहे हो, है ना. जैसे आपने देखा होगा जैसे मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था, जैसे आपने वीडियोस को देखा होगा, मेरी भी बिल्कुल सेम स्ट्रेटेजी है, कैटेगरीज में बांटो, कैटेगरी बाय कैटेगरी चीजों को करो. जैसे मैं कम्युनिटोरिक्स में 9 कैटेगरीज ऑफ प्रॉब्लम बताता हूँ, है ना. तो बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल सबसे बढ़िया सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है,
और मैं बार बार सभी स्टूडेंट्स को ये वार्निंग भी दे रहा हूँ कि जब तक आप हार्ड कॉपी नहीं रखोगे PYQs के अपने पास, तब तक आपकी रैंक बहुत कम चांसेस हैं कि आप ला पाओगे, क्योंकि हार्ड कॉपी आपके पास होगी, PYQs आपके पास हैंडी होंगे, आप पेजेस पलट के देख सकते हो, आपकी आंखों के आगे सारा कुछ होगा। बट ऑनलाइन अगर आप ज़बरदस्ती करोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है ना, वो एक फील नहीं आएगा। जब तक एक बुक आपके हाथ में नहीं होगी तब तक बात नहीं बनेगी, और जैसे मार्कर से और वो सब चीज़ों से आपकी इच्छा जैसे आपको करना है, बट द ओनली थिंग इज PYQs बहुत ढंग से करने हैं। और जहाँ तक मेरे को भी समझ में आता है, स्टूडेंट्स मेरे से भी बहुत पूछते हैं सर क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो दे जस्ट, ये पता है क्या होता है, देखो ये एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है, एक टॉपिक कर लिया ना तो स्टूडेंट्स को बस एक किक चाहिए होती है कि हाँ जी मैंने ये टॉपिक कर लिया है, अब क्वेश्चंस मेरे को आसान आसान दिखने चाहिए जिसको मैं आराम आराम से करके एक ज़बरदस्ती का कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्डअप कर लूँ। और इस चीज़ का फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, ज़बरदस्ती के क्वेश्चन देते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं और उनको किक मिलती है और उनको लगता है कि हमारा सब हो चुका है, बट एट द एंड ऑफ द डे दे विल फॉल इन अ ट्रैप। तो द बेस्ट वे आउट इज सब कुछ छोड़ दो, PYQs पे फोकस करो, PYQs अगर सॉल्व हो रहे हैं तो अच्छी बात है। तो सिंपल भाषा में बोलूं, सब्जेक्ट आया या नहीं आया मैं डिसाइड नहीं करूंगा, आप डिसाइड नहीं करोगे, डिसाइड PYQs का। अगर PYQs सॉल्व हो रहे हैं सब्जेक्ट आ गया, अगर नहीं हो रहे नहीं आया, इट्स एज सिंपल एज दैट। ये फालतू की बात है कि सर टॉपिक तो आ गया, समझ में सब कुछ आ गया, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। वो क्वेश्चन सॉल्व इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि आपने उसको ढंग से पढ़ा ही नहीं, टॉपिक डीप में आपने देखा ही नहीं है, आप चीज़ों को समझे ही नहीं हो। और अगर आपके कंसेप्ट्स वीक हैं, आपको अप्रोच करना नहीं आता, देन फर्स्ट यू हैव टू गो विद डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और दैट टू टू टॉपिक्स लॉजिक एंड कम्बिनेटोरिक्स, उसके बाद जो कुछ करना है करो, बट ये दोनों टॉपिक्स अगर आपने कर लिए तो आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना बहुत आराम से और बहुत ईजीली, ये मैं बहुत बार बोलता हूँ एंड आई थिंक एक बार मैंने और रिपीट किया ताकि सब स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझ सकें। ओके, तो टेस्ट सीरीज आपने कितनी ली थी आनस? एक्चुअली मैंने स्टार्ट में जितनी मिल रही थी मार्केट में सब सब्सक्राइब कर दे रहा था, लेकिन देन मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया एंड दो तीन टेस्ट सीरीज सर इतने खराब थे, इतने इजी टेस्ट सीरीज थे कि क्वेश्चंस वर सो सिंपल कि मेरे को 80-80 प्लस मार्क्स जा रहा था। देन आई थॉट कि 80 प्लस मार्क्स जा रहा है तो मुझे तो ऑल इंडिया रैंक 1 आना चाहिए, बट आई मीन थर्ड ईयर, अभी 6 महीना बचा है गेट का। देन आई रियलाइज कि ऐसे टेस्ट सीरीज सॉल्व करके कोई नहीं है, एंड देन देयर वर 2-3 टेस्ट सीरीज, mainly two test series, वो बहुत अच्छी quality थी, tough questions थे and thrill आ रहा था उसमें, हर exam देने के बाद ऐसा feel हो रहा था कि मैं कहीं ना कहीं lag कर रहा हूँ concepts में, तो मैंने उनको ही hold on किया and उनको last तक solve किया, but this year paper was more of accuracy than concepts, so I would suggest the students कि मैंने last month में ये गलती किया था कि I thought of accuracy का मैंने ऐसा सोचा ही नहीं क्या करना है, I just went for the concepts, more concepts, more concepts and hard and harder questions. But accuracy इतना ध्यान नहीं दिया, so don't make presumptions, accuracy भी solve करो and concepts भी solve करो। बहुत बड़ा और बहुत hidden point एक सामने आया हमारे सभी learners को, एक बात ये ध्यान से सुननी चाहिए, दो चीज़ें हैं भाई, एक accuracy और एक concepts, तो अगर आप concepts के पीछे भागोगे, accuracy जिसके पास नहीं होगी वो इस पेपर में बहुत बुरा फंसा होगा, बहुत बुरा दिल्ली में स्टेस करके आओगे। और जब भी मैं हमेशा बताता हूँ अगर पेपर आसान आ गया ना तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ, क्यों? कि एक भी सिली मिस्टेक आप अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आपने एक सिली मिस्टेक करी आपकी रैंक बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो उस क्वेश्चन को करेक्ट तरीके से सॉल्व करके आए होंगे। अगर पेपर मुश्किल आया, सिली मिस्टेक भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि क्या पता आपने जिस क्वेश्चन में सिली मिस्टेक की है वो क्वेश्चन काफ़ी सारे स्टूडेंट से हिला भी नहीं होगा, सॉल्व तो छोड़ दो हिला भी नहीं होगा, तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी आसान क्वेश्चन में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और उसमें आप गलती करके आ गए हो, यू कैन नॉट अफोर्ड ना, तो ईजी पेपर। आई रिमेंबर मैंने दो क्वेश्चन में सिली मिस्टेक कर दिया था एंड मैं दो दिन डिप्रेशन में था, आई वाज लाइक कि मेरे को लगता है मेरे 500 प्लस रैंक जाएगी इस बार। सो एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने ऑर्डर ऑफ लॉग इन की जगह ऑर्डर ऑफ वन डाल दिया था, मैक्स सीप का क्वेश्चन था, दैट वाज लाइक सो सिंपल क्वेश्चन सर, वो बहुत बुरा लगा था। सो यस सर, दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि मुझे एक्यूरेसी इंप्रूव कर लेना चाहिए था, बट ठीक है, ऑल इज गुड थैंक्स गुड। नहीं नहीं 107 बहुत अच्छी है यार, थम्स अप करो, बहुत अच्छी रैंक है एंड दैट टू इन थर्ड ईयर, तो कोई बात नहीं, एक दो सिली मिस्टेक हैं तो मतलब अनऑफिशियली तो आप टॉप 100 में हो, दैट मीन्स एंड इट्स रियली वेरी गुड। ठीक है, सो अल्टीमेटली एंड लास्ट, जैसे बहुत सारे मैं हर स्टूडेंट से पूछता भी हूँ कि ज़्यादा आपके अकॉर्डिंग थ्योरी पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए या क्वेश्चंस पे, क्योंकि ये डाउट सिली सा क्वेश्चन है बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है, तो एक आपसे भी मैं सुनना चाहूँगा इसका। I would say कि starting of the time
थ्योरी पे ज्यादा फोकस करो, कॉन्सेप्ट्स पे फोकस कर। जो स्टार्टिंग के अभी के जो मंथ्स है जो 2024 में एम कर रहे हैं उनको एटलीस्ट अगस्त और सितंबर तक थ्योरी में ज्यादा फोकस करना चाहिए विद पीवाईक्यूज। डोंट थिंक ऑफ द प्रैक्टिस क्वेश्चंस राइट नाउ, इट्स नॉट द टाइम। डू द थ्योरी, डू द थ्योरी एब्सोल्युटली विल। प्रीवियस क्वेश्चन करो, प्रीवियस क्वेश्चन इज नॉट अ प्रैक्टिस क्वेश्चन, इट इज एक्चुअली अ थ्योरी क्वेश्चन। इट्स इंप्रूविंग योर थ्योरी, थ्योरेटिकल नॉलेज। इट्स नॉट फॉर समथिंग फॉर लाइक, यू कैन नॉट से इट अ मॉक टेस्ट और गेट मॉक टेस्ट है। ये आपका थ्योरी का ही पार्ट समझो पीवाईक्यूज को। एंड देन इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर अक्टूबर यू कैन स्टार्ट हैव अ ट्रांजिशन टू द सॉल्विंग। आप टाइमर लगा सकते हो, तब टाइम टू टाइम सॉल्व कर सकते हो। एंड स्टार्टिंग में व्हेन आप मॉक टेस्ट देना चाहोगे आपका 8 से 10 सिली मिस्टेक होगी। देन ट्राई टू रिड्यूस इट टू 6, देन टू 2 एंड ट्राई टू नलिफाई एज मच एज पॉसिबल। वह यही सर, स्टार्टिंग इन मंथ में डू द थ्योरी रिग्रेसली। आप गेट के बारे में सोचो भी मत कि गेट में टाइम होता है, कितना टाइम होता है, सिर्फ आप थ्योरी पे ध्यान दो। एंड लास्ट के 2 to 3 मंथ्स में इट्स एक्चुअली अ केक वॉक, वेरी इजी हो जाएगा लास्ट। आपका थ्योरी स्ट्रांग है तो आपका टाइम लिमिट, पहले मुझे टाइम में भी प्रॉब्लम होता था, ऐसा लगता टाइम कम पड़ रहा है इवन इन द इजी क्वेश्चन। देन मैंने थ्योरी एज मच रिवाइज किया, जितना हो सके उतना रिवाइज किया। एंड देन आई फेल्ट कि जब आपकी थ्योरी स्ट्रांग हो तो आपको टाइम का भी प्रॉब्लम कम हो जाएगा। It's really very good, very nice strategy. Thumbs up for you. So the very best strategy is starting में theory पे बहुत ज़्यादा focus करो, ठीक अच्छे से clear करो। ज़्यादा practice questions के पीछे भागोगे तो ये बेवकूफ़ी, simple भाषा में बोलूँगा बिल्कुल बेवकूफ़ी है, क्योंकि time ही नहीं है भाई इतना आपके पास कि आप एक subject पढ़ोगे उसके क्या 300-400 question आप लगता है कि आप उसके solve कर दोगे और उसके बाद next subject शुरू करोगे, इतने में बहुत ज़्यादा time निकल जाएगा। बेटर है पहले आप बहुत ज़्यादा अच्छे से थ्योरी करो, साथ साथ उसके पी वाई क्यूज भी करो। अराउंड 10 to 12 ईयर्स के एटलीस्ट ले लो, बट एटलीस्ट उनको करो ज़रूर, ताकि पता लगे क्या आ रहा है पेपर में और क्या नहीं आ रहा है, डायरेक्शन पता लगेगी। पी वाई क्यूज आर जस्ट लाइक एरो, एरो ये एरो की तरह हैं, कहीं हो सकता है कि आप इस डायरेक्शन में चलते चले जा रहे हो, इस डायरेक्शन में, बट जाना था आपको इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन आपकी ठीक है या नहीं है, चलते चले जा रहे हो कौन बताएगा, पी वाई क्यूज बताएंगे। कहीं पता लग रहा है आप कुछ कुछ अलग ही दुनिया में चल रहे हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, मैं जब ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था तो कई स्टूडेंट्स होते थे इतने टफ टफ क्वेश्चंस करते थे, मैं उनको वार्निंग देता रहता था, बट लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में या कोई भी रीज़न लगा लो लगे रहते थे टफ टफ क्वेश्चंस कर रहे हैं। अलग अलग किताबों की जो मतलब सॉल्व एक्सरसाइजेज हैं, अनसॉल्व एक्सरसाइज वो उठा उठा के ला रहे हैं, कर रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स का डिस्कस कर रहे हैं, तो उनका एक ऐसी इमेज बन जाती थी कि दे विल बी टॉपर्स। बट अल्टीमेटली कड़वी बात तो ये थी, उनका टॉपर तो छोड़ दो, क्वालिफाई भी नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज उनकी डायरेक्शन बहुत ज़्यादा गलत थी। तो यही चीज़ मैं सभी स्टूडेंट्स को बताता हूँ, डायरेक्शन एकदम ठीक रखो। कैसे पता लगेगी? जस्ट बाय योर पी वाई, ठीक है? आप पहले पढ़ो थ्योरी, पी वाई क्यूज देखो, हो रहे हैं, दैट्स गुड, आगे बढ़ते चले जाओ। शुरू के कुछ महीने ऐसे निकालो, अक्टूबर नवंबर जैसे ही आएगा उसके बाद यू हैव टू शिफ्ट टू गेयर, अपना शिफ्ट करो, फिर प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान, थ्योरी पे कम ध्यान, है ना? तब आपको क्वेश्चंस की तरफ ज़्यादा फोकस करना, और जितने सब्जेक्ट हो गए अच्छी बात है, जितने नहीं हुए उनके लिए फिर आप क्वेश्चन 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 करते जाओ, बेशक से रिवर्स इंजीनियरिंग फॉलो कर लो, टॉपिक वाइज स्टडी कर लो कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार समझता हूँ पूरा सब्जेक्ट नहीं छोड़ना होता, आर्किटेक्चर मुश्किल लगता है, आर्किटेक्चर में पाइपलाइनिंग के क्वेश्चन बहुत आते हैं, कैश मेमोरी के बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो सॉल्व कर लो, उनको देख लो पी वाई क्यूज की हेल्प से, थोड़ा थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग करके कि पाइपलाइनिंग क्या है एंड सो ऑन पता लग जाएगा। बट द ओनली थिंग इज बाद में क्वेश्चन पे फोकस, अभी पहले थ्योरी पे फोकस। तो दिस इज द बेसिक समरी जो हर एक स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए। ओके, तो ठीक है अनस, इट वॉज रियली वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। और आप मुझे थोड़ा कुछ टिप देना चाहेंगे मुझे नई स्टूडेंट्स को कि उनको क्या करना चाहिए कि आप जैसा वो कुछ कर सकें थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में भी सही या ड्रॉप के बाद भी सही, एटलीस्ट एक अच्छी रैंक ग्रैब कर सके, तो फाइनली क्या टिप देंगे आप स्टूडेंट्स को? आई वुड सजेस्ट कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, देन सी वन थिंग यू हैव टू रियलाइज कि जितना भी मटेरियल्स आपको गेट के लिए चाहिए सब इंटरनेट में अवेलेबल है, आपको सिर्फ सर्च करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जो कॉन्सेप्ट सीखना है आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। बट द थिंग इज आपको कौन सा कॉन्सेप्ट करना है और कौन सा नहीं करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इफ़ यू कैन गेट अ सीनियर जो क्रैक कर चुके हैं गेट, उनका मेंटरशिप लीजिए। जैसे कि आई गॉट अ वन ऑफ वेरी ग्रेट सीनियर, उनके ऑल इंडिया रैंक 68 थी 2022 में, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किए। उन्होंने मुझे बोले कि अभी तुम टेंशन मत लो, लाइक लास्ट वन मंथ में आई वॉज वेरी ओवरवेल्म्ड कि मेरा गेट आ रहा है, पिछले 1.5 साल की मेहनत,
3 घंटा बताया कि क्या पता मैं बीमार पड़ जाऊँ, कुछ भी हो जाए, खाना खाने नहीं हो जाए, नींद ना पूरी हो, एग्जाम में काप गया. तो ही जस्ट टोल्ड मी कि सिर्फ जो आज का सिलेबस है, आज का एम है, तुम डेली एम, वीकली एम फॉलो करो, 1 महीने के बाद का मत सोचो. आज तुमने सोचे थे कि अच्छा मैं ये चैप्टर रिवाइज करूंगा एंड इतना एक मॉक टेस्ट दूंगा, तो बस उतना ही करो और सो जाओ. उसके बाद का आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, वो मत करो. एंड थर्ड ईयर के में अगर आपको अच्छे रैंक लाना है तो आपको थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अपने कॉलेज से. सो आई यूज टू फॉलो 20-80 रूल, लाइक 20% ऑफ योर एफर्ट्स गिव 80% ऑफ द रिजल्ट्स. सो मैंने क्या किया, अपने कॉलेज में अगर मेरे दोस्त लोग 4 घंटा लगा रहे डेली कॉलेज के काम में, तो मैं सिर्फ 1 घंटा लगाता था. एंड अल्टीमेटली उनकी ऑफकोर्स SGPA मुझसे ज्यादा थी, उनकी 9.5 9.6 थी एंड मेरी 8.5 8.6 थी, बट एक्चुअली मेरे पास 8 का वेट था. सो ऑफकोर्स थोड़ी SGPA गिरेगी, गिरने दो, टेंशन मत लो. थोड़ा तुम दूसरों से कम कोडिंग कर पाओगे, ओके, दे वुड बी लाइक वेरी ग्रेट ऑन द लीड कोड, यू वुड बी लाइक जस्ट अ न्यूबी, बट ठीक है, सबका टाइम आएगा, अपने टाइम पे सब अपने अपने पेस में जा रहे. अभी मैंने सर सच बोलूँ तो मेरी कोडिंग इतनी अच्छी नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, बट लोग हैं जिनको फोर्थ ईयर में क्रैक किया, उनकी कोडिंग भी अच्छी है बिकॉज उन्होंने थर्ड ईयर तक बहुत अच्छी कोडिंग की. सो हम अपने अपने पेस में, नोबडी इज सुपीरियर टू एनीवन. सो अभी मेरा टाइम है कोडिंग का, उनका कोडिंग का टाइम जा चुका है, अब उनका टाइम है गेट का. सो बस सर यही. इट्स रियली ग्रेट, मतलब बहुत अच्छी आपने टिप्स दी हैं सभी स्टूडेंट्स को. तो द ओनली थिंग इज आपको जो फोकस करना है, बिल्कुल जैसे इन्होंने बताया कि लास्ट का टाइम जब आता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स उस टाइम पे परेशान होते हैं, और मैंने भी यही सब अपने जनरल वीडियोस में भी बताया था कि थिंक अबाउट द बिग बिग बिजनेसमैन जो इतने बड़े बड़े बिजनेस चला रहे हैं, अंबानीज हैं, अडानीज हैं, अगर वो ये सोचने बैठ जाएं कि यार पता नहीं मेरे एक डिसीजन से मेरा सारा कारोबार ख़राब हो सकता है, करोड़ों क्या अरबों रुपए का नुकसान हो सकता है, तो डिसीजन लूँ कि ना लूँ, करूँ कि ना करूँ, तो वो देखो ना, मतलब उनका एक सिनेरियो देखो और एक अपना सिनेरियो देखो. यू हैव टू गिव जस्ट अ स्मॉल टेस्ट. तो अगर आप इसमें भी परेशान हो रहे हैं तो आगे लाइफ में आने वाले चेंजेस को कैसे करेंगे. तो उनकी बेसिक स्ट्रेटेजी यही रहती है कि मशीन की तरह वो काम करते हैं, डेली बेसिस पे एक डेली प्लान है, एक मैनेजर उनके साथ घूम रहा है. ऑफ कोर्स हम लोग अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं मैनेजर को, बट एट द एंड ऑफ द डे आप खुद के अपने मैनेजर बन के चल सकते हो. और एक मशीन की तरह चलो, इस टाइम पे ये, इस टाइम पे खाना, इस टाइम पे पीना, इस टाइम पे ये करना, इस टाइम पे काम करना, एंड सो ऑन. अगर आप पूरा दिन एक मशीन की तरह प्लान करके निकालोगे तो आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा और बहुत ईजी जाएगा. जैसे आपने बताया कि बस इतना काम है आज के दिन का, आज का मैंने काम कर लिया, दैट्स इट, बस और ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत है ना. बट अगर आप ओवरथिंकिंग में घुसोगे, यू विल फॉल इन अ ट्रैप. और ओवरथिंकिंग से बचने का सबसे बेस्ट वे आउट है प्लानिंग. तो बार बार प्रॉपर अच्छे से प्लानिंग करके चलो. तो एक आनस ये पॉइंट रह गया, आप प्लान कैसे किया था आपने, मतलब चीज़ों को कि इस टाइम पे इतना ख़त्म करूंगा, ऐसे चलाऊंगा, वो क्या किया था आपने? यस सर, सो मैंने रैंडमली टेलीग्राम पे गया, लिंक्डइन में गया, इन टॉपर्स को सर्च किया, मैंने बहुत सारे मेल डाला, मैसेज डाला, कुछ ने रिप्लाई किया, कुछ ने नहीं किया. जब मैं एक सीनियर ने रिप्लाई किया, उन्होंने बोला कि पहले आप सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट से करो एंड देन PyQs करो. तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया. लाइक सेल्फ स्टडी में इफ़ यू हैव अ मेंटर, मे बी ऑनलाइन या ऑफलाइन, दैट वुड रियली हेल्प अ लॉट. एंड रोड मैप्स भी मैं बहुत देखता था, बट एट द एंड ऑफ द डे सबका अपना अपना अलग अलग स्ट्रैटेजी रहता है. मैंने देखा लोग 2-3 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ते हैं और कोई एक सब्जेक्ट खत्म करने के बाद ही सेकंड सब्जेक्ट में जंप करता है. मैं वो इंसान था जो एक सब्जेक्ट खत्म करने के बाद ही सेकंड सब्जेक्ट में जंप करता था. सो आपकी जो स्ट्रैटेजी है आप उसको स्टिक करो, आप कंसिस्टेंट रहो और डिसिप्लिन रहो. आपके पीपल आस्क कि आप थर्ड ईयर में मैनेज कैसे कर रहे हो कॉलेज का स्टडीज, मैं बोला सिर्फ कंसिस्टेंट रहो और डिसिप्लिन रहो, आपके अपने आप पाथ वेव्स होने लगेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कॉलेज कैसे मैनेज करना है और अपनी गेट की पढ़ाई, अपनी दूसरी करिकुलम कैसे मैनेज करना है. बस सिर्फ the discipline is actually the most important. बिल्कुल बिल्कुल, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी एक दूसरे के पैरेलली चलते हैं. जो डिसिप्लिन होगा वो कंसिस्टेंट अपने आप हो जाएगा, और जो कंसिस्टेंसी को ज़्यादा फोकस करेगा अल्टीमेटली डिसिप्लिन उसके अंदर अपने आप से आ जाएगा. एंड यही दो चीज़ें हैं. मतलब देखो, जब तक आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं करोगे तब तक आप कुछ कर नहीं सकते. सिंपल बात है भाई, आपके लिए जो आपको पता होगा आपके लिए क्या चीज़ वर्क करेगी. जैसे आनस को पता था कि उसको उसको मतलब वही बात है, एक्सपेरिमेंट करता गया तो उसको पता लगता गया कि ओके आई कैन डू लाइक दिस, आई कैन डू लाइक दिस. जिस तरीके से वो चलाता गया चीज़ों को और अल्टीमेटली गेट पे फोकस भी करा, यू कैन से कॉलेज भी मैनेज किया, दोनों चीज़ें मैनेज हुई. कैसे हुई एग्जैक्ट आंसर पूछोगे नहीं दे पाएगा, मैं भी नहीं दे पाऊंगा, ये भी नहीं दे पाएगा, कोई भी नहीं दे पाएगा. ओनली थिंग इज यू हैव टू डू इट.
आपको अपने हिसाब से चलना है। अब आनस कहता है कि मैं रात को 4 बजे तक पढ़ता था या 3 बजे तक पढ़ता था, तो क्या आप में हिम्मत है रोज रात को 3 बजे तक जाके पढ़ने की? कोई कहेगा मैं रोज सुबह 4 बजे उठ जाता था, लेकिन क्या आप में हिम्मत है रोज सुबह 4 बजे उठने की? आप 10 बजे सो सकते हो, इतने डिसिप्लिन्ड हो शायद नहीं हो। तो इट्स ऑल अप टू यू, आपको देखना है आपके लिए क्या वर्क करता है क्या वर्क नहीं करता है। जस्ट कीप ऑन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। एक सिंपल भाषा में बोलूं, बर्निंग डिजायर। एक अगर आपके अंदर बर्निंग डिजायर है ना कि मेरे को ये चीज हासिल करनी है, कर जाओ, है ना। सिंपल भाषा में बिल्कुल बेसिक बात है, थिंक अबाउट एंटरप्रेनर्स। जितने भी एंटरप्रेनर्स होते हैं, एक नया बिजनेस वो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके बारे में दुनिया ने सुना ही नहीं है। आप तो वो पढ़ रहे हो जो किताबों में लिखा हुआ है। एंटरप्रेनर्स तो वो काम कर रहे हैं जो कहीं है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको एग्जिस्टेंस लेकर के आनी है मार्केट में। तो वो देखो क्या करते होंगे, जस्ट कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग, करते रहो, यू विल फाइनली गेट योर। तो दैट इज द बेस्ट वे, बस एक बर्निंग डिजायर रखो और मेहनत करते चलो, डिसिप्लिन के साथ चलो, यू विल डेफिनेटली गेट अ ह्यूज सक्सेस। ओके, तो यहीं से हम आनस अपना पॉडकास्ट को ओवर करेंगे। आपको कुछ मुझसे पूछना है देन यू कैन आस्क मी, और नहीं तो फिर वी विल वाइंड अप द सेशन। सर, आई वुड जस्ट मेक अ रिक्वेस्ट सर, आप अपना सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म कर दीजिए सर, एकदम सर आपका, क्योंकि आपका फ्री लेक्चर इतना अच्छा है कि आई जस्ट डोंट हैव टू वांडर इधर उधर, इधर से पढ़ लो उधर से पढ़ लो। आपका एक सर एक रिसोर्स मिल जाए, कि कांस्टेंट रिसोर्स मिल जाए, तो बहुत अच्छा हेल्प हो जाएगा। दैट्स ऑल सर फ्रॉम माय साइड। ओके, इट्स रियली ग्रेट, थैंक यू सो मच। मैं भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ सच बताऊँ तो, बट द ओनली थिंग इज कि एक जॉब में हूँ मैं, और अब थोड़ी सी चीज़ें मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड हैं, थोड़ा मुश्किल है, बट आई एम ट्राइंग रियली हार्ड। मैं कोशिश कर रहा हूँ और जितना हो सकेगा, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं करता हूँ कोशिश। थैंक्स फॉर योर फीडबैक आनस, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट। और मुझे पता बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं लेक्चर कम्प्लीशन का, सिलेबस। आई विल ट्राई टू डू इट, जितना मैक्सिमम स्पीड पे हो पाएगा आई विल ट्राई। ठीक है आनस, इट वॉज रियली वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। और जिनको भी ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, प्लीज़ इसको जितना हो सकेगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि सब लोगों को मन में एक अवेयरनेस आ सके। आनस एक बेंच मार्क क्रिएट कर रहा है सभी स्टूडेंट्स के लिए, थर्ड ईयर वालों के लिए, कि वो भी टॉप 100 में आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, विद सबसे बड़ी बात जो है सेल्फ स्टडी से। ये चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स को गलत फहमी रहती है कि जब तक, देखो वही बात है ना, जब तक कोई इंसान आपके सामने नहीं आएगा तब तक आपको लगेगा कि ये चीज़ तो इम्पॉसिबल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन आज आपके सामने मैंने एक ऐसे स्टूडेंट को ला करके खड़ा किया है जिसने ये काम अचीव करके दिखाया है। यू कैन बी दैट पर्सन ऑल्सो, आप भी कर सकते हो। ओनली थिंग इज पॉसिबल, सबसे बड़ी बात है इट इज पॉसिबल, और ये किया जा सकता है। ओनली थिंग इज राइट डायरेक्शन, राइट पाथ, और राइट तरीके से अगर आप मेहनत कर रहे हो विल डेफिनेटली एंड अप विथ। ओके, तो यहीं पे मैं इसी बात से अपना पॉडकास्ट को एंड करूंगा। थैंक यू सो मच आनस, थैंक यू एवरीबडी। और अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना, फ्रेंड के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।